बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बहुत ही मज़ा सा यहाँ पर सब्ज़ी वाले चावल जो है ना, ये मैं बना रही हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप इसको पुलाव कह लें, चावल कह लें, जो भी कह लें, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया। अब जो इसका शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी शामिल की जिसे मैंने ली थी, गाजर लिए हैं, मटर लिए हैं और आलू लिए हैं, ठीक है। आप अगर कोई और भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर स्टर फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा मैंने थोड़ी देर इसको मैंने फ्राई किया। अब सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसे सेम ऑयल शामिल कर दूँगी, सारे साबुत गर्म मसाले, इसमें ज़ीरा है, लौंगी है, दालचीनी है, काली मिर्च है और तेज़पत्ता है, ठीक है। उसके बाद स्लाइस हुआ प्याज डालकर मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी गोल्डन ब्राउन, ठीक है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, इसके बाद जो है मैं उसका शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया था, वो शामिल किया। टमाटर को मैंने यहाँ पे 4 पीस में कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर इसका शामिल किया मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर, साथ में मैंने नमक शामिल किया। आप चाहें तो उसका चिकन क्यूब वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है ना, जो मैंने फ्राई की थी, वो भी शामिल कर दूँगी, ताकि जो है साथ में टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तो साथ में जो है ना ये सब्ज़ियाँ ये भी सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मैंने को ज़्यादा देर फ्राई नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 से 5 मिनट फ्राई किया होगा, उसको मैंने इसको बाहर निकाल लिया था, ठीक है। इसलिए इसको मैं यहाँ पर गलने तक पका लूँगी। जब अच्छे से सब्ज़ियाँ देखें यहाँ पर गल गई थी, तो 2 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी यहाँ पर। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर अब जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी चावल, चावल डालेंगे साथ में और पानी डालेंगे, जिसमें मैंने भिगोए थे चावल वही मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्टेज पर उसका नमक चेक कर सकते हैं कि नमक ठीक है कि नहीं, कम है तो आप और डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं तेज़ आँच पर पकाऊंगी ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो उसकी मीडियम फ्लेम करके मैं तब तक पकाऊंगी जब सारा पानी ड्राई नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सारा पानी इसका ड्राई हो गया, देखिए अच्छे से ड्राई हो गया, दम पर रख रही हूँ मैं तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट के लिए, मैं इसको यहाँ पर दम पर रख दूँगी। उसके बाद मज़ेदार सा पुलाव बन के तैयार है। आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना मज़े का ये पुलाव लग रहा है, बहुत ही अच्छा। ये देखें कितने खिले खिले, कितने अच्छे से चावल इसके बन के जो है वो तैयार हुए हैं। मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये देखें, मैं जैसे मैंने इस पुलाव को सर्व कर दिया है, आप इसको यहाँ पर सैलड के साथ खाएं, आप इसको रायते के साथ इंजॉय करें। ये पुलाव, ये चावल जो है सब्ज़ी के, बहुत ही मज़ेदार आपको लगेंगे, सबको वह पसंद भी आएंगे। एक बार रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी है मुझे कमेंट में। चले मैं अब आपसे जा लेती हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।